मैं आपको देख रहा था, कैप्टन मिलोर, जब कोर्ट की पेशियां चल रही थी मैं देख रहा था आपको, जब गोलियां चली थी दुश्मनों की तो आप दिल्ली से हुक्मनामे के इंतजार में थे। गोलियां चला सकते थे आप कैप्टन मिलोर, गोलियां चला सकते थे। आज मेरे डैड अगर जिंदा नहीं है तो उसकी वजह आप हैं कैप्टन मिलोर। दिल्ली से हुक्म आते तक आप बैठे रहे, दुश्मन की गोलियां चलते रही, लेकिन मेरे बाप को आप बचा नहीं सके। ठीक किया, नहीं आप चुप रहिए। ठीक किया है सरकार ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा करके। मेरे फादर की अगर मौत हुई है ना, उसकी वजह आप। तुम्हारे पिता गद्दार थे, गद्दार। आपकी भी डिसिप्लिन कहाँ गई थी, आर्मी का डिसिप्लिन? दुश्मन देश की जब गोलियां चल रही थी तो मेरे फादर उस वक्त सामने खड़े थे, वो गोलियां चला रहे थे, दुश्मन पर पीठ दिखाकर नहीं भागे थे। पीठ दिखाकर भागे थे, अगर उनकी मौत हुई है तो उसकी वजह आप। उसने आर्डर का फॉलो नहीं किया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मुझ पर भी लगाइए ना, तो किसके इंतजार में बैठे, मुझ पर भी लगाइए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर आर्डर का पूरे खानदान को मार दीजिए ना, सिर्फ मेरे फादर की मौत क्यों? तुम एक अच्छे आदमी हो, इससे तुम्हारा कमीशन इज्जत करती है, पर तुम्हारा काम गैर जिम्मेदार था, हद्दार था, इसलिए वो गया। देखिए आपकी जुबान से ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती। मैं सच कह रहा हूँ कैप्टन, मैं आपको अपने पिता की तरह मानता था। मेरे फादर ने पता है अपनी मौत से पहले उन्होंने मुझे फोन लगाया, कहा कैप्टन विरोध ने मुझसे जो कहा मैं सिर्फ वही करूंगा। दिल्ली के हुक्म के इंतजार में बैठे रहे जब दुश्मनों की गोलियां चल रही थी, आप उस इंतजार में बैठे रहे, गोलियां चली, लोग मर रहे थे, आपकी सेना के लोग मर रहे थे, किसके इंतजार में बैठे थे आखिर आप लोग? कैप्टन विरोध, अगर आपने गोलियां चलाने का हुक्म दिया होता तो आज मेरे फादर और उनके सारे सिपाही जिंदा होते। पचास सिपाही मरे लेकिन 10,000 सिपाही बच गए। छोड़ दीजिए सारी बातें, गोली मार के चला जाए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो आप पे भी लगा है ना, पीठ दिखाकर भागने वालों में आप भी शामिल हैं, मुझे पता है। तुम्हारी आर्मी को सख्त जरूरत है। आर्मी का डिसिप्लिन ही तो मार उड़ाना कैप्टन विनोद। मैं रॉ ज्वाइन कर रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, मैं जा रहा हूँ रॉ में, ठीक है? आपकी डिसिप्लिन रखिए आपकी इंडियन आर्मी के। मैं अब घुसूंगा दुश्मन देश में और वो हरामजादा जहां मुझे दिखेगा उसे वही गोली मारूंगा जिसकी मौत के जिम्मेदार आप भी हैं। याद रखिएगा, अगर मुझे आपके खिलाफ कुछ भी मिला, एक बित्ते के बराबर भी, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा, हिसाब होगा हिसाब, फुल एंड फाइनल। इम्पॉसिबल, जस्ट इट, इम्पॉसिबल।